harinam namayam vishnu padaya acharya singha rupini sri sri madhurya prakarya kesava dinamini namayam vishnu padaya krishna krishthaya bhutale trimate bhakti siddhanta saraswati dinamini Yeah.
Thank you.
Thank you.
कर इसके उसकी अंदर में जितने सद्गुण हैं वो सारे सद्गुण अपने आप आ जाएगा, उसको सद्गुण को एकत्र करने का भी जरूरत नहीं। अरे हमारे अंदर में दया आनी चाहिए, कृपालु आनी चाहिए, हमारे अंदर में सरलता आनी चाहिए, हमारे अंदर जैसे कोई राजा चलता है उसके साथ में जैसे मोदी चले, उसके साथ में जितने मंत्री छोटे मोटे सबसे उसके पीछे पीछे सब सबके सब पीछे पीछे चलते हैं, उसी तरह जब भक्ति महारानी चलती है, जब भक्ति महारानी किसके हृदय में प्रकट हो जाए और जितने सारे सद्गुण को तुम्हें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, सब के सब अपने आप सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर में आ जाए। इसलिए केवल एक ही कोशिश करो हम कैसे अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसे भगवान की हम कर सके, केवल एक ही चेष्टा करो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, वो सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे। धराव अभक्त सपूत महत्वपूर्ण, जब भगवान के प्रति जिसकी है, जिसकी भगवान के प्रति आई है, जैसे भक्ति परेसानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्रिक एक काल प्रपद्य मानस जथा स्नत तुष्टि पुष्टि खुद पायव अनुभासम। इसमें एक श्लोक उन्होंने उदाहरण देकर समझा है, कहते एक साथ में ये दो पतें होती है, एक लसग्नि एक सुवर्णा, कहते उसको उदाहरण देते हुए भागवत से एक श्लोक को उदाहरण क्या बोले, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्रिक एक काल, भगवान की भक्ति करते हैं पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति तुम्हें सबसे पहले भगवान की भक्ति तुम्हें करना पड़ेगा। भक्ति करेंगे तो एक साथ में कहते तीन काम एक साथ में होते हैं, कहते वो तीन काम किया है परेशान भव। भक्ति अगर सही सही होगी हमें अपने आप भगवत अनुभूति होगी। आप देखना कुछ कुछ लोग मंदिर में जैसे आ सीखो वो तो बड़ा चक्कर में पड़ गया है, वो तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, बोले हम तो साधु संतों के पास में संसार में हम रो रहे हैं, संसार में हम सबके सब रो रहे हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, परिवार से दुखी, पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी दुखी, हम तो ऑलरेडी संसार में रो रहे हैं, इसलिए साधुओं के पास में किस लिए आते हैं भैया, संसार में थोड़ा शांति सुख मिले, संसार में साथ इसलिए तो साधु संतों के पास में आते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं रोना सीखो, हम तो रो रहे हैं और क्या रोना, फिर क्या रोना सीखेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूज होकर चला गया, चला गया था रात भर उसने स्मरण किया गुरु जी बताया रोना सीखो भैया क्या रोना सीखेंगे, हम तो रो रहे हैं। फिर दूसरे दिन आया बोले गुरुदेव कल मैं आपको पूछा भक्ति कैसे होगा, आपने बताया रोना सीखो, गुरुदेव इसका मतलब क्या है। तब पावन गोस्वामी महाराज ने कहा देखो बच्चा जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक मैया दूध नहीं पिलाती, बच्चा रोएगा मतलब पता चलेगा उसको भूख लगा है उसको भी दूध पिला। उसी तरह जब तक कोई रोएगा नहीं फिर ठाकुर जी की कृपा कैसे हो गया, हम संसार के लिए तो खूब रो पड़ते हैं, संसार में देखना कोई दिक्कत हो जाएगी इधर उधर हो जाएगा उसके लिए तो आंखों से आंसू आ जाती है, लेकिन आज तक हमें भगवान नहीं मिले इसी विषय पर हमें हमारी आंखों से आंसू नहीं आती, आंखों में आंसू नहीं आते भगवान मेरे को क्यों नहीं मिले। इसलिए यहाँ पर बताए भक्ति है, भक्ति मतलब है अगर हम हृदय से रो रो करके हमें हरिनाम करना चाहिए, हमें जो साधन है ना हमें रो रो कर क्या करनी चाहिए, हमें हरिनाम करनी चाहिए। अगर रो रो करके हरिनाम करेंगे तब हृदय में कुछ अनुभूति होगा, हृदय में कुछ हमारी अनुभूति होगा, जब हमारे हृदय में कुछ अनुभूति होगा ना आप देखना वो व्यक्ति कभी जिंदगी में भजन नहीं छोड़ेगा, वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता, भले ही दुनिया छूट जाएगी लेकिन उससे कभी भजन नहीं छोड़ेगा। क्यों, कारण क्या बोले भक्ति उसने सचमुच से निष्काम होकर के हैं ठाकुर जी की प्रेम को पाने के लिए उसने साधन किया है। इसलिए नियम है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नियम है हरिनाम कैसे करनी चाहिए, तो एक जगह पर बैठ करके मन को लगा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हृदय से रो रो करके आंखों से आंसू बहाते हुए हे ठाकुर जी हे हरे
हे कृष्णा हे राधा रानी हे कृष्णा, हम आपका ही संतान हैं, लेकिन आपको भूलने का वजह से हम इसी संसार में आए और ये दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। आप कृपा करके पुनः अपना चरण की हमें प्रेम प्रदान करो। आप रो रो कर बैठ जाकर हरिनाम करो, बैठ करके आप रो रो करके। मैंने देखा हमारे भक्ति विदार नारायण गोस्वामी महाराज, हम कुछ दिन कभी उनके सेवा दिया है, गुरुदेव जब हरिनाम करते थे एकदम सवेरे उठ करके हाथ मुंह धो देते, धो करके बैठ करके गुरुदेव 3:30 बजे हरिनाम हृदय से पुकार पुकार करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हृदय से पुकार पुकार हरिनाम करते। इसलिए नियम है हम एक जगह पर बैठ करके हृदय से अंतर आत्मा से सचमुच से निष्कपट होकर के अब हरिनाम करो, जरूर आपको अनुभूति होएगा। वो जो अनुभूति आपको होगा ना, आप कभी जिंदगी में भजन नहीं छोड़ सकते। भले ही सारा दुनिया हमसे छूट जाएगा, तो छूटेगा दुनिया तो नहीं चाहत में तुम्हें दुनिया छोड़ देंगे, ये दुनिया तो तुम्हें छूटेगा है नहीं चाहत पर भी, लेकिन दुनिया छूट जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति कभी भगवत भजन कभी नहीं छोड़ेगा। ये नहीं बोलेगा अरे उसने मेरे साथ में ऐसे किया ना, इसलिए हम तो भजन छोड़ दिए, हमारे साथ में उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया, हजार दोष दिखा दिया। लेकिन अपना कमी को वो नहीं दिखाएगा, अपना अंदर में क्या कमी है, हैं? जैसे मीरा के ऊपर भी कितने बाधा आई थी, उसका जेठ देवर ननद सारा दुनिया गांव के कुत्ता भी नहीं छोड़ा उसको पीछे पड़े थे। आप भजन करने के लिए देखो है दुनिया कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्या सब तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, क्या तो साधु हो गया तुम, क्या बाबा जी हो गया, देना सारा दुनिया क्या क्या बोले हैं, लेकिन मेरा भजन नहीं छोड़ी। थ्री प्रहलाद के ऊपर में, हरिदास ठाकुर के ऊपर में कितने दुख कष्ट आया, कितने क्या उन्होंने भगवान को छोड़ दी, अरे मेरे पिता ऐसे बोल दिया, मेरा परिवार ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे क्या भजन छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिए दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, कारण क्या, कारण है जब हृदय में हमारी अनुभूति होगी ना, अपना कुछ कमाई होनी चाहिए, दूसरे की कमाई पर नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? भक्ति जगत में अपना कुछ कमाई होनी चाहिए, ये चीज को गांठ बांध कर रखनी चाहिए। दूसरे की हम दूसरे की कथा सुनते हैं, दूसरे कुछ बोलते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं भजन नहीं करें, अपना हृदय में कुछ अनुभूति नहीं हो, दूसरे से मांग मांग कर कब तक खाओगे, दूसरे से मांग मांग कर कब तक खाओगे, अरे अपना तो कुछ कमाई करो। अपना अगर कमाई होगा ना, वो कभी प्रभु की भक्ति कभी छोड़ नहीं सकता है, दुनिया छूट जाएगा, हरिनाम नहीं छोड़ेगा, गुरु वैष्णव भगवान कभी नहीं छोड़ेगा। छोड़ा मतलब है इसका मतलब तो भजन का नाम पर कुछ भी नहीं किया, भक्ति भक्ति से तो कोई मतलब ही नहीं था भक्ति भक्ति से, ये चीज हमें समझनी चाहिए। इसलिए कहते एक साथ में तीन काम होगा, क्या होगा, बोले भक्ति जब करेंगे सही सही। देखो दुनिया में जैसे कोई बिजनेस करते हैं, कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं, कुछ लाभ होता है कि होता है, तब तो वो धीरे धीरे आगे करता है ना, कहते उसी तरह भैया जगत में सब बिजनेस से तो फेल हो सकती हो, लेकिन भक्ति बिजनेस से अब तक फेल हुए ही नहीं। इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जीवन में राम रतन धन पायो, ये भक्ति बढ़ती है, भक्ति कभी घटती नहीं है, भक्ति हर समय बढ़ती है, लेकिन तभी बढ़ेगी जब निष्कपट हृदय से हरिनाम करके भजन साधन करके तभी तो बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ेगी कहां से, वो बढ़ेगी कहां से। इसलिए हमें इसलिए बोले बंधम हुई सावधान मते, इसलिए भक्ति जगत में हमें सावधान पूर्वक सिंसियर होकर के हमें भगवान की भक्ति हमें करना पड़ेगा है। इसलिए बोले भक्ति भक्ति करोगे तो एक साथ में क्या होगा, परेशान होगा, जरूर तुम्हें भगवत अनुभूति होगा ही है जरूर। अभी तो कोई इस भक्ति जगत में कोई फेल नहीं हुए, सब के सब सक्सेसफुल हुए, सत्य युग से देखो ब्रह्मा से नारद से व्यास से
पराशर से परिगीत सब उनका दी, जितने सब गुरुवर्ग उनका नाम लिखोगे हो, सत्यजू से सबका नाम, सत्यजू से सब नाम धीरे धीरे धीरे, कोई इसमें फेल नहीं हुए, सबके सब उसमें सक्सेसफुल, सबके सब उसमें सक्सेसफुल हुए। इसलिए भक्ति उसका साथ में परेशानुभव, परेशानुभव मतलब है जरूर तुम्हें भगवत अनुभूति हुई। लेकिन जब भगवत अनुभूति हुई उसका साथ में क्या होगा, विरक्ति अन्यत्र, ये सौभाग्य होगी, दूसरे वस्तु में तुम्हारी विरक्ति आएगा। जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार हटेगा, अगर कोई बोले भाई सूरज उदय हो गया अंधकार हटा, कभी हो सकता है? आप कहना सूरज उदय हुई नहीं, वो उदय होने वाले, उसको पहले देखना चारों तरफ में प्रकाश, प्रकाश चारों तरफ में प्रकाश हो जाती है। कहते उसी तरह भक्ति करोगे तो भगवत अनुभूति उसके साथ में अपने आप विषय में गति चीज में अपने आप तुम्हारे सब कुछ को बोलने का जरूरत नहीं, ए तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसे क्यों, बोलने का जरूरत नहीं। क्योंकि जब इसलिए बोलना महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान, जितने महाप्रभु का भक्त है उसमें वैराग्य प्रधान है, और जिस चीज को देखे महाप्रभु बड़े प्रसन्न, बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री श्री सनातन गोस्वामी के लिए है, सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़ी कंबल, अच्छी कंबल बोलते थे, घर घर में माधुर्य करके खाते थे। महाप्रभु बोले तुमने घर में जाते हो माधुर्य करके खाने के लिए और इतने कीमती कंबल को ओढ़ कर जा रहे हो, दुनिया क्या बोलेगा? बोले घर घर में जाकर के भिक्षा मांगता है, रोटी मांगकर खाता है, और इतने कीमती कंबल उनको भगनी पत्नी दिया था, इतने कीमती कंबल। जब महाप्रभु बार बार उसको देखे, बार बार उन्होंने जाकर क्या किया, जो कि धोबी है ना, जो कपड़ा धुलाई करता है, उसको एक पुराना है चिथड़ था, चिथड़ मतलब कहता है पहले पहले देखना, जितने बच्चा हुआ कपड़े को सिलाई करके उसको कंबल बनाकर ओढ़ते थे ठंडा समय में, वो था उसने बास। बोले भैया इसको लेकर के हमें उसको दे दोगे? बोले हमें क्या, आप इतने बड़े विद्वान हो करके हमारे साथ में आप खिली उड़ा रहे, हंसी उड़ा? बोले नहीं मैं सच बोल रहा, उसको देख कर उन्होंने वापस ला और आए तो वहाँ पर बड़े खुश हो रहा, हाँ ये सही है, ये तुम्हारी सही है भजन करने का तरीका। इसलिए कहते भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, स्वाभाविक रूप में विषय में तुम्हारी विरक्ति आएगी। उठ बैठ करके सारा दुनिया जब बैठ जाए उल्टा पुल्टा सारे बात है, गंदी गंदी इधर उधर, कभी रुचि तुम्हारी नहीं होगा उसको, एक एक पल अगर भक्ति के विमुख का कोई एक बात होना, जैसे उसको लग गया सर पर जैसे वज्र गिर रहा है, हम समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, उसको स्वाभाविक रूप में होगा। इस नहीं बैठ करके है दुनिया की उसके सारा दुनिया नहीं, इसका मतलब है भक्ति में तुम्हारी अभी भक्ति में रुचि नहीं हुई, क्योंकि जो एक एक जो समय श्वास जा रहा है ये अनमोल समय हमें नष्ट हो रहा है, उसको अनुभूति होगा। हम उतना समय हरिनाम क्यों नहीं कर ले, उतना समय हरिनाम करके जीवन को क्यों नहीं बिताए, कोई सद ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़े, बैठ करके सारा दुनिया की इधर उधर की बात में हम क्यों बिताए, उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए विरक्ति अन्यत्र, स्वाभाविक रूप में विषय बात सुनने के लिए, विषय बात बोलने के लिए उसके हृदय से, हृदय से उसको जैसे एक एक सेकेंड अगर बीतेगा प्रभु का नाम भक्ति अगर हमारे समय बर्बाद हो रहे, क्यों समय को हम बर्बाद, उसको हृदय से ही सब चीजें आएगी, हृदय से बोलने का जरूरत नहीं, उसको हृदय से सब चीज अपने आप हृदय से सब चीजें आएगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोला ख्याति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रति तद वशस्य स्तरे है। कहते जो गुण है उसका अंदर में स्वाभाविक रूप में आएगा, ख्याति दुख का विषय आने पर भी दुखी नहीं होना, अभ्यर्थ कालतम समय को कभी नष्ट नहीं करेगा है, विरक्ति है। इसलिए मान शून्यता दूसरे भक्ति विमुख वस्तु में विरक्ति, मान शून्यता कभी भी अपना इज्जत को प्रशंसा को वो चाहेगा नहीं। आशा बंध कब भगवान मिले, कब भगवान मिले, कब भगवान मिले, समुद्र कंटा हृदय में हर समय उसमें उत्कंठा बनी रहेगी,
है आसक्ति तद गुना ख्याने भगवान तथा हो बड़ी आसक्ति रहेगी प्रीति तद वसत स्थले भगवान की लीला स्थल में उसकी प्रीति रहेगी है इसलिए यदि सब चीज है ना यदि स्वाभाविक रूप में भक्ति करोगे भक्ति परेशान हो भी रहती तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए जैसे आप भोजन करो अब देखना जैसे खूब भूख लग रहा है जब भूख लग रहा है जब आप भोजन करो एक ग्रास मुंह में लो इसको तरह एक साथ तीन दिन काम होता है एक ग्रास रोटी का एक ग्रास लिया ना लेते क्या होगा पेट भरेगा एक साथ में पेट भरने का साथ साथ में आपकी खुदा निवृत्ति होगा और खुदा निवृत्ति होने का साथ साथ में देखना शरीर में ताकत आने लग जाएगी अपने आप है अगर बोले ना भैया काम कर दो अरे पेट में कुछ यही नहीं काम कैसे करें पेट में दाना पानी तो पड़े इसलिए एक साथ में वो तीन काम एक साथ मदद एक साथ बताएं जितना परिमाण में खाओगे उतना परिमाण में पेट भरेगा पेट भरने का साथ साथ में तुमको खुदा निवृत्ति होगा मतलब आपकी शरीर में ताकत आएगी और तुम्हें तृप्ति मिलेगी एक साथ में आपको तृप्ति मिलेगी तीन काम एक साथ में होगा तीन उसी तरह कहते जो क्लेशकनी और जो सुभदा बताया ना दो पत्ते उसमें एक साथ में दो बताए मतलब पहले जितना परिमाण में तुम्हारी दुख दूर होगी उतना परिमाण में तुम्हारी क्या होगी क्लेशकनी जितने उसको साथ साथ में जीवन में सुभदा सुभदा मतलब जीवन में मंगलमय आरंभ होगा ठीक उसी तरह इसलिए कि श्लोकों को उन्होंने यहाँ पर उद्धृत करते हुए उन्होंने बताए हैं उसी तरह तीन काम होगी प्रपद्य मानस यथास्न तुष्टि पुष्टि खुद अनुपाय अनुपास इसलिए एक साथ तुम्हारी तीन काम होना शुरू हो जाएगा कहते उसी तरह फिर भी अल्प या अधिक परिमाण में पैदा होने का तारतम्य रहने से अशुभ की निवृत्ति तथा शुभ की प्राप्ति में भी तारतम्य रहता है किंतु अशुभ निवृत्ति या शुभ प्राप्ति का एक निर्दिष्ट क्रम है वो क्रम अत्यंत सुखमय है यहाँ पर बताए जैसे क्लेशग्नि शुभ का दुख दूर होगा और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा जीवन में शुभ होते होगा उसी तरह आप भक्ति करने पर भक्ति को साथ साथ में ये तीन काम होगा यद्यपि ये अत्यंत सुखों विचार है यद्यपि कब दुख दूर हुआ कब जीवन में सुख आ गया मतलब एक साथ में कब हो गया पता नहीं चला एक साथ में पता नहीं चला लेकिन पता नहीं चलने पर भी जो विचार अत्यंत सुखों विचार है इसलिए लक्षण नहीं वह क्रम अत्यंत सुखमय है और सहज ही लक्ष्य नहीं किया जा सकता है फिर भी उसका कार्य दृष्टिगत होने का कारण एवं लक्षण को द्वारा शुद्धि जल को स्थिति को स्थिर कर लेते हैं लेकिन जो शुद्ध रूप में भक्ति करने वाले लोग हैं वो यद्यपि वो कब हुआ कब खत्म हुआ कब ये हुआ यद्यपि अत्यंत सुखमय है लेकिन भक्त लोग तब भी उसको धीरे 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 कैसे धीरे 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 हुई उसको विचार कर लेते जैसे भोजन किया तभी तो सब पेट भरा अब पेट भरा तभी हमारी खुदा निवृत्ति हुई तभी तुष्टि हुई फिर उसी तरह उसका भी एक सूक्ष्म तारतम्य है बोले तारतम्य को तब यहाँ पर बता रहे हैं कि तो भक्ति में अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है इसलिए श्री रूप गोस्वामी यह चीज को भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रद्धा उसके बाद में फिर साधु संग फिर भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति फिर रुचि फिर निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम उन्होंने इसको एक क्रम रूप में ये चीज को धीरे 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 भक्ति कैसे धीरे 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 बढ़ेगी उसका उन्होंने एक क्रम को उन्होंने दिखाया भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसलिए यहाँ पर बताया सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है सबसे पहले भक्ति का जो बीज है वो बीज क्या श्रद्धा वो बीज क्या श्रद्धा ही वो बीज है जैसे आप लोग अंदर में श्रद्धा है फिर तब तक यहाँ पर आए अगर श्रद्धा नहीं होता यहाँ पर कोई आते यहाँ पर कोई आते ही नहीं यहाँ पर आते ही नहीं कोई श्रद्धा है तभी हम यहाँ तक आए इसलिए कहते हैं जो श्रद्धा है ना
कि ये श्रद्धा भक्ति शास्त्र में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वास नहीं होती है। इसलिए श्रद्धा भी यहाँ पर दो तरह का बताया, कहते एक लौकिक श्रद्धा और एक उसकी दृढ़ श्रद्धा है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने चैतन्य चरितार्थ में जीव गोस्वामी अपना संदर्भ में श्रद्धा के ऊपर बहुत बहुत कुछ बात इसी विषय पर श्रद्धा के ऊपर में उन्होंने बहुत बहुत कुछ उन्होंने बात बताया है। कहते भक्ति शास्त्र में कहे गए साधन के अनुष्ठान में विशेष रूप में जतनशील होकर के तदनुसार कार्य करने की आदर सहित इच्छा है उससे भी श्रद्धा कहा जाता है। इसलिए कहते भैया श्रद्धा का मतलब क्या होता है, कहते ना अगर हमारे अंदर में श्रद्धा तभी तो आए, लेकिन वो श्रद्धा कैसे ही किस रूप में वो श्रद्धा हुई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रद्धा उसको दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। एक तो श्रद्धा होता है लौकिक श्रद्धा, जो लौकिक श्रद्धा है ना कभी टूट जाती है, ये कभी भक्ति जो लौकिक श्रद्धा साधारण रूप में सभी की श्रद्धा हम भी श्रद्धा, लेकिन अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए ना हाँ क्या होता है फिर वो श्रद्धा टूट जाती है, वो श्रद्धा हमारी टूट जाती है। अरे हम तो उनको इतना विश्वास करके ये सब किया, अरे ऐसे निकला उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया उसने ऐसे कर दिया, देखो वो कैसे क्या कर रहा है उसने क्या कर रहा। अब देखना थोड़े बड़े दोष इधर उधर देख देना उसकी जो हृदय की श्रद्धा खत्म हो जाती है, फिर भगवत भक्ति को भी वो छोड़ देता है। लेकिन श्रद्धा शब्द का ही कृष्ण सुदृढ़ निश्चय है, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। कहते जो दृढ़ श्रद्धा है उसको कैसे है, बोले जब हम कृष्ण को भक्ति करते हैं कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। श्रद्धा शब्द दृढ़ के सुदृढ़ निश्चय, जब हम कृष्ण भक्ति कर लेते हैं हमारी सब कुछ करना हो जाता है, जगत में और कोई करना धरना बाकी नहीं रह जाते। इसलिए कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है, अगर कृष्ण भक्ति कर लिया ना हमारे जीवन का सारे कर्तव्य हमारी पूरी हो गई, पूरी पूरी हो गई, कोई हमारे कर्तव्य जगत में कोई बाकी नहीं रह गया। इसलिए जब दृढ़ श्रद्धा किसकी हो जाती है भले जीवन में जो कुछ भी आए लेकिन फिर भगवत भक्ति नहीं छोड़ता है। जैसे हरिदास ठाकुर के ऊपर में 22 बाजार उनको पिटाए, 22 बाजार एक बाजार ने मार्केट में उनकी पिटाई हुई और चमड़ा उतर गया, लेकिन जो वो लोग मार रहे थे ना मुसलमान लोग, भगवान तो सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, बोले सब को मैं दुष्ट कर दूंगा मेरे भक्तों को प्रेम अत्याचार चक्र लेकर के आ गए। लेकिन हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु ये अज्ञा है मूर्ख है हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। ठाकुर जी ने देखा चक्र लेकर के आ गया मारने के लिए और कह रहे उनकी माफ कर दो, फिर भगवान अपना पीठ के ऊपर पीठ लगा दिया, सब पिटाई भगवान को हो गई, 22 बजे में पिटाई हो गई, चकड़ा उतर गया। लेकिन वो क्या कहते हैं, ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े दयालु हुए, मेरे को ये पिटाई क्यों पड़ी, चूंकि इन्हीं कारणों में भगवान का मैंने निंदा सुना था, कहते कारणों में मैंने भगवान की निंदा सुना था ना इसलिए ठाकुर जी थोड़ी सी दंड थोड़ी सी दंड देख रही, इतनी पिटाई हो गई और थोड़ी सी दंड देख रहे छोड़ दिया। लेकिन साधारण व्यक्ति होता तो अरे इतना हमने भगवान के भजन किया पूजा किया इतने भक्ति किया ठाकुर जी सब कुछ हमारे हैं, ठाकुर जी सब कुछ छीन लिया, ठाकुर जी सब हमें ऐसे दुख दिया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, हम हजार ठाकुर जी के ऊपर दोष लगा देंगे, हजार हम ठाकुर जी के ऊपर में दोष लगा देंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कदे श्रद्धा उसको कहते हैं भक्ति शास्त्र में जो कहे गए साधन की जो अनुष्ठान के विषय में जो बात बताए गए, जिसने इसको ऊपर में दृढ़ विश्वास करके नहीं गीता में भगवान जो कहे वो सही बोले, भागवत में भगवान जो बोले वो सही बोले, प्रभुपाद हमारे गुरुवर्ग ने जो बात बताया उसने सही है, इसमें कोई गलत नहीं, दुनिया भले गलत हो जाए लेकिन भगवान जो गीता भागवत में पुराण में जो बताया गया उसमें कोई गलत हो नहीं सकती, दुनिया भले गलत हो जाएगा लेकिन ये कभी गलत नहीं होगा। इसलिए अभी का जो साइंटिस्ट लोग है ना, पहले एक साइंटिस्ट ने एक बताया लेकिन दूसरा साइंटिस्ट याद रख दिया क्या उसको फिलोसफी काट दिया,
काट कर उसने जो ये बताया गलत, इसने जो बताया गलत बताया। इसलिए देखना बच्चों का कोई पुस्तक बदल जाती है, लेकिन हमारी गीता की कोई शब्द बदला है? भागवत का कोई अक्षर बदली है? हमारे रामायण का कोई अक्षर बदला है? हमारा वेद का कोई अक्षर अभी तक बदली है? कोई चीज अभी तक कोई बदली नहीं। बल्कि क्यों कहते, साधारण जो साइंटिस्ट लोग है वो लोग जड़ इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूति करके बताया वो बताया, लेकिन हमारे जड़ इंद्रियों में चार दोष है। जड़ इंद्रियों में हमारे चार दोष है, भ्रम, प्रमाद, करना पाठक और विप्रलिप्सा, ये चार दोष है। तो एक चीज को देख करके दूसरे ज्ञान होना, हमारे ये जड़ इंद्रिय के प्रवृत्ति गुण है। रात में जा रहे रस्सी बढ़ाओ, साफ 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 कर डर डर जाते हैं, इसलिए रास्ता में जा रहे हो गर्मी का समय रास्ता में मृग परिचय होता है ना, दूर से देखने से पानी पानी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वो पानी है। इसलिए जो साइंटिस्ट का इसलिए गलत होता है, आंखों से जो चीज देखते हैं वो प्रत्येक प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रमाण क्योंकि बहुत गलत होता है, कभी कभी गलत होता है, लेकिन ऋषि मुनियों का जो अनुभूति ये कभी गलत हुआ नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा उससे कहते हैं हमारे वेद में, भागवत में, रामायण में, गीता में जो चीज लिखी हुई वो सही है, वो सही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए जत्नशील होकर के तदनुसार कार्य करने की जो आदर्श सहित इच्छा उससे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा उसे कहते हैं शास्त्र में जो बताया उसको सुन करके आदर पूर्वक उसको अपना जीवन में उतारना, आदर करके उस चीज को अपना जीवन में करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। इसलिए पुनः दोनों प्रकार की श्रद्धा ही दो प्रकार की होता है, इसमें दो प्रकार की श्रद्धा की बात बताई गई। कहते एक तो स्वाभाविक ही एक श्रद्धा होता है स्वाभाविक रूप में, लेकिन और दूसरी तरह का व्यक्ति को द्वारा किसी प्रकार जबरदस्ती पैदा कर जाती है। एक श्रद्धा तो होता है सुनकर स्वाभाविक होना, और एक श्रद्धा होता है दूसरे व्यक्ति हमें तरह तरह का विचार देकर के, सिद्धांत देकर के हमें समझा बुझा कर नहीं ये सही है, इसमें कभी गलत नहीं हो सकती है, सारा दुनिया गलत, लेकिन उसको समझा बुझा करके उसको जोर जबरदस्ती हृदय में श्रद्धा को उत्पन्न करता है, इसको कहते ये एक श्रद्धा, ये एक श्रद्धा। इसलिए उसमें श्रद्धा एक बताए स्वाभाविक रूप में एक, और एक जोर जबरदस्ती श्रद्धा पैदा करना, इसलिए श्रद्धा दो तरह का होता है। तब हमारे श्री भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन लोगों ने इसकी बहुत बहुत उन लोगों ने उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने श्रद्धा की, उन्होंने डेफिनेशन उन्होंने प्रदान किया है। चित्त की संप्रसन्नता को ही श्रद्धा कहा जाता है। चित्त की संप्रसन्नता कहने से चित्त की सिद्धता रूपी मल दूर होने पर वस्तु विषय अनुकूल्य की प्राथम की बीजावस्था को बोध होता है, यही श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा की यहाँ पर तरह तरह का उन्होंने डेफिनेशन दिया है। कहते जिस श्रद्धा जिसको करने पर हृदय में वास्तविक में प्रसन्नता उदय हो, अगर सही श्रद्धा है हमारी, जैसे भगवान के प्रति अगर हमारी श्रद्धा सही है, सही श्रद्धा है, तब क्या होगा, भगवान का नाम करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की भजन करने से हृदय से हमारी स्वाभाविक रूप में एक आनंद आता है, क्योंकि आपको भगवान के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है ये। लेकिन जो जिसकी श्रद्धा नहीं, हाँ सब कुछ सभी सब, सब सभी कर रहे हैं, हाँ ये सभी कर रहे हैं, इसलिए हम भी उसको पीछे पीछे कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा हृदय की संपूर्ण श्रद्धा वास्तव हृदय में प्रसन्नता नहीं आती, लेकिन जो स्वाभाविक रूप में जो श्रद्धा है उसमें हृदय की प्रसन्नता, उसको प्रसन्नता आती है। ये श्रद्धा जितने प्रगाढ़ होती जाती उसी परिमाण से साधकों का चित्त अनुकूल होकर के साधकों को सिद्धि की ओर अग्रसर कराती है। यदि श्रद्धा जितने तुम्हारी पक्की होगी, सबसे पहले भक्ति जगत में श्रद्धा, यदि श्रद्धा तुम्हारी जितने पक्की दृढ़ता होगी तो उसमें क्या होगा, तुम उतना परिमाण से
जो भगवत भक्ति की जो अनुकूल वस्तु को ग्रहण करते हुए फिर हम साधना का शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सिद्धि की ओर वो चीज धीरे 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 सिद्धि की ओर धीरे धीरे चलती रहती है। इसलिए भक्ति जगत में सर्वप्रथम क्या है, कहते श्रद्धा, हमारे हृदय में सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे श्री जीव गोस्वामी ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर तरह तरह का उन्होंने श्रद्धा का डेफिनेशन दिया है। आप लोग ये ग्रंथ को पढ़ लेना, पढ़ करके फिर आप लोगों ने श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा किसको कहते हैं, अगर दृढ़ श्रद्धा के साथ में भक्ति कर दो, भक्ति तुम्हारी कैसे फलती फूलती रहती है, उन्होंने विभिन्न पुराण से उदाहरण देकर उन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, गौर प्रेमानंदे। एक चीज का समझो, अगर हम सही सही हृदय से अगर हम करेंगे, भजन करेंगे, फिर वो जो श्रद्धा है, अगर हृदय में कुछ अनुभूति होगी तो फिर वो श्रद्धा हमारी भक्ति श्रद्धा होगी, नहीं तो श्रद्धा हमारी कच्ची श्रद्धा होगी। तो देखो, हमने देखा जैसे प्रभुपाद का समय पर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हैं, उनके भी कुछ शिष्य लोग थे, लेकिन जब प्रभुपाद चले गए, कुछ लोग तो उनको विरोध हो, प्रभुपाद जैसे व्यक्ति मुक्त महापुरुष जो राधा रानी के नयन मणि मज्जे दिए हैं, इसलिए कुछ उनको विरोध में कुछ चले गए लोग, कुछ उनको विरोध आचरण करके जो विरोध की। इसलिए कारण है, हृदय में अगर सचमुच से कुछ अनुभूति नहीं होगी तो हम भक्ति जगत में आगे धीरे 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 बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए अनुभूति लाने के लिए हमें रो रो करके हमें हरिनाम करना पड़ेगा, हैं, ठाकुर जी से निष्कपट होकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब हृदय में भगवान की जो लादनी प्रीति जो श्रीमती राधा रानी की अगर हृदय में कृपा होगी ना, फिर तो वो जो श्रद्धा अनुभूति होगा वो श्रद्धा तुम्हारी पक्की होगा। इसलिए सारा दुनिया कुछ भी बोल करके आपको भक्ति से दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने तीन तरह का भक्त बताया, कितने तरह के, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। बोले कनिष्ठ भक्ति किसको कहते हैं, बोले भक्ति तो करता है जो डामाडोल सा है, वो डामाडोल है, डामाडोल भक्ति। बोले मध्यम भक्त किसको कहते हैं, बोले अपना भक्ति तो ठीक ठीक रूप में कर लेता है, अपना भक्ति ठीक ठीक से कर लेता है, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं सकता है, लेकिन अपना भक्ति में दृढ़ है। बोले उत्तम कौन है, बोले अपना भक्ति तो दृढ़ है ही है, लेकिन दूसरों को भी शास्त्र युक्ति को द्वारा दूसरों को भी जो भगवत भजन में लगा देता है। अपना स्वयं भक्ति तो दृढ़ है और दूसरों को भक्ति में भी दृढ़ दिला देते हैं, ये कौन है, कहते ये उत्तम भक्त है, ये उत्तम भक्त है। इसलिए हमें रो रो करके ठाकुर को सामने बैठ करके एक जगह पर बैठ करके या तुलसी वृक्ष को सामने रख करके बैठ करके हमें हृदय से रो रो करके हमें हरि नाम करना है। ठीक है, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम